नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रजनीश पाटिल में। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर फर्स्ट टाइम आए होंगे आप लोग, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और कुछ आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके पूछेंगे जरूर। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म व्हेन टू पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, इट्स अ यूनिक केस। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन बनने वाला ये, जिसमें दो पार्टनर आपके इंसॉल्वेंट होने वाले हैं। तो चलो दोस्तों अपन रुक करते हैं क्वेश्चन नंबर वन ऑफ पेज नंबर 234 ऑफ पेज नंबर 234 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिख लेंगे। कितने पार्टनर है आपके पास, नरेंद्र देवेंद्र एंड महेंद्र, ओल्ड प्रॉफिट रेशो आपको दे के रखा है, जो कि देख रखा है 3:2, 3:3:6:2:8, तो रेशियो हो जाएगा 3:8, 3:8, 2:8। वेरी नाइस। द बिजनेस इज डिसॉल्वड ऑन 31 मार्च 2020 व्हेन देयर बैलेंस शीट स्टैंड एज अंडर। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 आपको देके रखी है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस नाम से चला जाएगा, क्रेडिटर्स ट्रांसफर हो जाएंगे रिलेशन अकाउंट में, प्लांट मोटर कार सन्ड्री डेटर्स स्टॉक रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, कैश ओपनिंग बैलेंस करके दिखा देंगे अपन डेबिट में। सबसे पहले आपको बनाने का है रियलाइजेशन अकाउंट फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे आप बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और थर्ड नंबर पे आप बना लोगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। पहले जो रिचुअल्स है क्वेश्चंस के उसको अपन फॉलो करेंगे। ओपनिंग बैलेंसेस, टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ये आपको देख के रखा हुआ है 10,000 रुपीज। पार्टनर्स के 20, 80 और 40 बाय ओपनिंग बैलेंस 20,000, 80,000 और 40,000। यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के बैलेंसेस आपको क्रेडिट में दिखाने के हैं। लायबिलिटी साइड में बैलेंसेस दिए हैं तो क्रेडिट में जाएंगे। एक हाथ पार्टनर का अगर बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस असेट में रहता था तो उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में दिखा देते दोस्तों। फिर हम क्या करेंगे, सन्ड्री असेट्स को ट्रांसफर कर देंगे रिलेशन अकाउंट के डेबिट में, टू सन्ड्री असेट्स। इसमें आएगा आपका प्लांट एंड मशीन, ₹1,00,000। मोटर आएंगे आपकी ₹20,000। डेटर्स आएंगे आपके ₹90,000 एंड स्टॉक आएगा दोस्तों ₹1,20,000। आउटर में जाएगी टोटल इसकी ₹3,30,000। इसी प्रकार से हम बाय सन्ड्री लायबिलिटीज पे ट्रांसफर कर देंगे इसमें एक ही आइटम आएगा आपका क्रेडिटर्स, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देंगे अपन ₹2,00,000। ये हो गया बेसिक आपका स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन। पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टमेंट देखेंगे अपन।
They decided to dissolve the partnership firm on the above date as follows. Machinery and stock are sold for 50,000 and 36,000 respectively. Debtors realized 40,000. इसका मतलब है तीनों केस में कैश आएंगी. कैश आएंगे तो अपना इनकम होगा. रिलेशन के क्रेडिट में दिखा देंगे अपन. क्या क्या बेचेंगे हम? मशीन बेच रहे 50,000 में एंड स्टॉक बेच के आएंगे हमारे पास 36,000 और डेटर्स लोगों से वसूल कर लेंगे हम लोग दोस्तों 40,000 रुपया. आउटर में जाएगा आपका 1,26,000 और इसका सेकंड इफेक्ट आ जाएगा आपका कैश अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,26,000. मोटर कार इज टेकन बाय देवेंद्रा. देवेंद्रास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन. रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाएगा बाय देवेंद्रास कैपिटल मोटर कार 26,000 एंड देवेंद्रा कैपिटल के आएगा डेबिट में टू रियलाइजेशन 26,000 डैश डैश. ये भी हो गया. रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 2,000. रिलेशन एक्सपेंसेस टू कैश. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 और बाद में बोला है डिफिशियंसी ऑफ एनी पार्टनर इन कैपिटल अकाउंट इज टू बी मेड बाय अदर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये तो आपको पता ही है. एक हाथ पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट होता है तो उसकी जो डिफिशियंसी है यानी डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस करने के बाद में जो बैलेंस बचता है उसे डिफिशियंसी कहते हैं. डेबिट साइड इज मोर, क्रेडिट साइड इज स्मॉलर. तो जो डेफिशिएंसी रहेंगी वो बचे हुए पार्टनर्स में न्यू रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. नरेंद्र बिकेम इंसॉल्वेंट एंड महेंद्र कुड ब्रिंग इन 10,000 ओनली. तो चलो देखते हैं अपन इसको भी. क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला दोस्तों. तो क्रेडिटर्स का भी अपन पेमेंट कर देंगे. क्रेडिटर्स का भी पेमेंट करेंगे यानी जो लायबिलिटी है उसको पेड किया है ऐसा बोला रहेगा एडजस्टमेंट में, या फिर नहीं भी बोला रहेगा तो उसको अपने को पे करना ही है 2,00,000 रुपया. आउटर में जाएगा 2,02,000 और कैश अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा आपका बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,02,000. अभी और एक चीज समझ लेंगे अपन. नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट एंड महेंद्र कुड ब्रिंग इन रुपीज 10,000 ओनली. तो पहले तो ये जो 10,000 ब्रिंग करने वाले हैं महेंद्र जी उसकी अपन एंट्री कर देंगे. कैश अकाउंट डेबिटेड. डेबिट व्हाट कम्स इन कैश इज कमिंग इन टू दी पार्टनरशिप फर्म. कैश अकाउंट डेबिटेड टू महिंद्रा कैपिटल 10,000 की एंट्री पास कर दी टू महिंद्रा कैपिटल ने. इसके क्रेडिट में आ जाएगा भाई कैश नरेंद्र देवेंद्र महिंद्रा कैपिटल में आ जाएगा 10,000. दोस्तों इंसॉल्वेंट कौन हो गया है? इंसॉल्वेंट तो हो गया है नरेंद्र. निशाने लगा दिया अपन ने नरेंद्र के ऊपर. इंसॉल्वेंट कौन हो गया है आपका? इंसॉल्वेंट हो गया आपका नरेंद्र. नरेंद्र के ऊपर निशाने लगा दी. ये फर्स्ट नंबर में इंसॉल्वेंट हो गया. और सेकंड नंबर में आपका जो महेंद्र है वो सिर्फ 10,000 लेके आने वाला है. तो सेकंड नंबर में आपका है ये महेंद्र. देखते हैं डील कैसे करने का. सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे अभी ये रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट है कि लॉस है फाइंड कर देंगे. डेबिट एंड क्रेडिट 3,30,000 प्लस 2,02,000 5,32,000 डेबिट की टोटल आ रही. क्रेडिट की टोटल आएंगे आपकी 2,00,000 प्लस 1,26,000 प्लस 26,000 3,52,000. इसका मतलब ये हो गया दोस्तों हमारी डेबिट साइड बड़ी है. तो लिख देंगे अपन लॉस कितना आ रहा. तो
5,32,000, 5,32,000, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 5,32,000 में से माइनस कर देंगे हम 3,52,000 रुपया, तो आपको मिलेगा 1,80,000 रुपया। 1,80,000 रुपया आएगा आपका नेट लॉस, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये आपका तीन पार्टनर के कैपिटल में जाएगा। कौन कौन से पार्टनर है आपके? नरेंद्र, नरेंद्र के कैपिटल में जाएगा आपका। देवेंद्र के कैपिटल में जाएगा आपका एंड महेंद्र के कैपिटल में जाएगा आपका। नरेंद्र के कैपिटल में, देवेंद्र के कैपिटल में एंड महेंद्र के कैपिटल में जो रेशो दिया है उनका 1,80,000 इंटू जो रेशो दिया था आपको उसी रेशो में जाएगा 3/8। 1,80,000 इंटू 3/8 एंड 1,80,000 इंटू 2/8 67,500, 67,500 एंड 45,000 रुपीज कैपिटल अकाउंट के डेबिट में दिखा देंगे इसे हम। टू रियलाइजेशन लॉस 67,500, 67,500 एंड 45,000। अभी दोस्तों आपका नरेंद्र जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो अपन क्या करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। नरेंद्र हो गया है इंसॉल्वेंट, तो नरेंद्र का डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल कर देंगे हम। नरेंद्र के डेबिट की टोटल करो कैपिटल अकाउंट में, तो डेबिट की टोटल कितनी आ रही आपकी 67,500 आ रही, और क्रेडिट की टोटल कितनी है आपकी 20,000 रुपीज है। तो डेबिट 67,500 में से क्रेडिट माइनस कर देंगे 20,000 रुपीज, तो 47,500 को बोलते हैं डेफिशिएंसी। इसका मतलब है नरेंद्र ने 47,500 रुपीज लाना चाहिए, लेकिन वो तो इंसॉल्वेंट हो गया। नरेंद्र हो गया आपका इंसॉल्वेंट, तो ये तो लाने वाला नहीं है। तो बचे हुए पार्टनर्स कौन है आपके? बचे हुए पार्टनर्स है आपके देवेंद्र एंड महेंद्र। इनका रेशो निकालेंगे न्यू वाला अपन, तो ये रेशो कैसे निकला? 3 as it is 2 as it is, तो 3 + 2 कितना हो गया आपका 5। सो 3/5 2/5 ये हो गया आपका न्यू रेशो। इस न्यू रेशो में ये 47,000 डिफिशियंसी हम लोग क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसमें? देवेंद्र में और महेंद्र में। 47,500 इंटू 3/5, 47,500 इंटू 2/5, वेरी नाइस। तो 28,500 देवेंद्र उठाएगा डिफिशियंसी में से, और 19,000 उठाएगा आपका डिफिशियंसी में से। कौन उठाएगा जी आपका? ये महेंद्र, वेरी नाइस। नाइस भी है जी और इजी भी है जी। तो आगे बढ़ेंगे अपन। अभी इसकी एंट्री भी मैंने आपको बताई थी। इसकी एंट्री क्या होंगी आपकी? सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यानी देवेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, देवेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 28,500, महेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
19,000 टू नरेंद्र कैपिटल अकाउंट, क्योंकि डिफिशियंसी किसकी ये नरेंद्र की डिफिशियंसी है, नरेंद्र कैपिटल अकाउंट 47,500। इस एंट्री को पोस्ट कर देंगे अपन देवेंद्र के कैपिटल में 28,500, देवेंद्र के कैपिटल में 28,500, महेंद्र के कैपिटल में 19,000, और टू देवेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेंद्र कैपिटल अकाउंट। और इसका सेकंड इफेक्ट देंगे नरेंद्र के कैपिटल के क्रेडिट में बाय देवेंद्र कैपिटल 28,500 बाय महेंद्रास कैपिटल 19,000। यानी इसका तो काम हो गया भाई 67,500, क्लोज करेंगे अपन नरेंद्र कैपिटल को और 67,500। ये हो गया पहला जो पार्ट है इंस्टॉलमेंट है उसका, अपन ने पूरा वही खाता क्लोज कर दिया। उसकी डिफिशियंसी को अपन ने जो सॉल्वेंट पार्टनर्स थे उनके खाते में अपन ने ट्रांसफर कर दिया। अभी सेकंड नंबर में दिया है कि महिंद्रा भी सिर्फ 10,000 रुपए लेके आने वाला है, तो उसके भी 10,000 रुपए अपन ने डाल दिए कैपिटल के क्रेडिट में और कैश के डेबिट में। अभी हम सेकंड नंबर में डेफिशिएंसी निकालेंगे महिंद्रा की। तो भाई आप लोग मुझे बताओ महिंद्रा के अपन मारेंगे टोटल, सेम इसी प्रकार से करेंगे। महिंद्रा का डेबिट का टोटल करो और क्रेडिट का टोटल करो। डेबिट में क्या क्या उसके 45 और 19, 40 और 10। 45,000 प्लस 19,000, 40,000 प्लस 10,000 यानी 50,000, और 45 प्लस 19 आएगा आपका 64,000। तो अभी इसकी डिफिशियंसी ढूंढेंगे अपन। डेबिट है 64, डेबिट में है 64,000, माइनस कर देंगे क्रेडिट आपका 50,000, तो ये निकली आपकी डेफिशिएंसी किसकी महिंद्रा की। अभी ये डेफिशिएंसी चली जाएंगे दोस्तों आपकी देवेंद्र के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि सॉल्वेंट पार्टनर कौन बचा हुआ है, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टनर बचा हुआ है आपका सिर्फ देवेंद्र। एक तो आपका जो था नरेंद्र वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी डेफिशिएंसी अपन ने देवेंद्र और महेंद्र के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की। अभी महेंद्र की जो डेफिशिएंसी हो चली जाएंगे आपकी देवेंद्र कैपिटल में, एंट्री हो जाएंगे आपके देवेंद्र वास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू महेंद्र वास कैपिटल अकाउंट 14,000। इस एंट्री की पोस्टिंग कर देंगे अपन देवेंद्र के कैपिटल के डेबिट में टू महेंद्र कैपिटल कैश डैश 14,000, और महेंद्र कैपिटल के क्रेडिट में बाय देवेंद्र कैपिटल 14,000, और महेंद्र के कैपिटल क्रेडिट में आ जाएंगे आपका 14,000 बाय देवेंद्र कैपिटल। वेरी नाइस। अभी इसको क्लोज कर देंगे अपन, इसका भी देखेंगे आप इधर साइड के टोटल आ रही है आपकी 64,000 और इधर के भी टोटल आएंगे आपके 64,000। लास्ट बट नॉट लीस्ट अभी हम लोग देवेंद्र का देखते डेबिट कितना है 26,000, 67,500, 28,500 और 14,000 यानी 1,36,000 आ रहा है इधर आपका डेबिट में, और क्रेडिट में कितना आ रहा उसका 80,000। तो ऑब्वियसली इसके डेबिट साइड मोर है, तो 1,36,000 इधर लिखेंगे अपन, ये 1,36,000 में से 80,000 कर देंगे माइनस, तो बचे 56,000 रुपीज। ये जो देवेंद्र जी है ना इनको कैश में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पार्टनर की जो डेफिशिएंसी है उसने बियर की, यानी सही उसी ने, उसी को सही नहीं पड़ी और बची हुई कैश उसको लानी पड़ेगी।
यह है बैलेंसिंग फिगर, इसकी एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट के हम डेबिट में, टू देवेंद्र कैपिटल कैश अकाउंट डेबिटेड टू देवेंद्र कैपिटल 56,000। अभी हम लोग कैश अकाउंट को कर देंगे क्लोज और दोनों साइड आपके आने चाहिए सेम, तो इसका मतलब है आपका अकाउंट हो गया टैली। 2,02,000 डेबिट की टोटल है और 2,02,000 आपकी आ रही है क्रेडिट की टोटल। बहुत सिंपल है, इजी है और आसान है। सिंपल है, इजी है, आसान है। ध्यान देके आपको 2 से 3 बार वीडियो को देखना है और 2 बार आपको सॉल्व करके देखना है, हड़बड़ी करने की नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लियर। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।